हेलो दोस्तों, स्वागत है विस्यूर्स क्रिएशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं फोटोशॉप किसी भी इमेज के क्लॉथ का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इमेज का टूलकिट कॉपी लेंगे, स्लेयर का कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के लिए राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने का माउस का राइट क्लिक करेंगे। करने के बाद हम डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे बैकअप के लिए। ये अपना हो गया। ओके, ये हो गया बैकअप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे। एडजस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ से इफेक्ट में हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम व्यू सैचुरेशन सेलेक्ट करेंगे। व्यू सैचुरेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर आ गया। यहाँ पे इस पर हमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इसमें हम जैसे चाहे वैसे अपना कलर को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कलर अपने आप चेंज हो रहा है। ये कलर अपना चेंज करने के बाद ये जैसा हमें येलो ले लिया। यहाँ से इसका सैचुरेशन भी सही कर लेंगे, यहाँ से ब्राइटनेस और सब सही कर सकते हैं। हम इसको ब्राइटनेस तब तक जीरो ही रखते हैं। इसके बाद हम जाएंगे इसके मास्क वाले लेयर पे। मास्क वाले लेयर पे जाने के बाद हम प्लस सेलेक्ट करेंगे। प्लस सेलेक्ट करने के बाद इमेज के जिस एरिया कलर हमें चेंज नहीं करना है उसको हम मास्क कर देंगे। तो यहाँ से हम ब्लैक कलर फिल कर लेंगे, ब्लैक ऑलरेडी। ऐसा प्लस को ट्रैक करेंगे मास्क की सहायता से। यहाँ से अपने ओपेसिटी भी थोड़ा चालू कर देते हैं। इसके क्या क्या होते हैं, हार्ड में थोड़ा ब्रश का और बढ़ा देते हैं। इसको जैसे चाहे हम वैसे उस कलर में हम डबल क्लिक करके मैनेज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आसानी से अपना कलर चेंज हो जा रहा है। हमें ब्लू रखना है तो हम ब्लू रखेंगे, ब्लू थोड़ा अच्छा लग रहा है तो हम ब्लू ही रखते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसे आसानी से अपने ड्रेस का कलर चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों, हम क्या बोलते हैं कि अपने फोटोशॉप में किसी भी इमेज के ड्रेस का कलर चेंज करना हो तो ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।